इंडिया के अंदर जब भी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी एक हथियार का इस्तेमाल करता है सामने वाले व्यक्ति की जान लेने में, और ऐसे केसेस के अंदर जिस भी व्यक्ति की जान जाने का खतरा होता है उस व्यक्ति को कानून की तरफ से एक बहुत ही मजबूत अधिकार दिया जाता है, यानि कि उस चीज के अंदर वो व्यक्ति जो है सामने वाले पर्सन की भी जान ले सकता है, चाहे उस पर्सन को फिर गोली ही चलानी क्यों ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया के अंदर सेल्फ डिफेंस में कोई भी व्यक्ति जो है कब कैसी सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति जो है सामने वाले पर्सन की जान ले सकता है, यानि कि कब किसी की हत्या करना क्राइम नहीं माना जाता। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर जब भी एक व्यक्ति को 10-15 लोग मिलकर के मार रहे होते हैं और उन 10-15 लोगों की इंटेंशन उस व्यक्ति को जान से मारने की होती है, तो वैसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति की जान जाने का खतरा होता है उस व्यक्ति के पास ये कानूनी अधिकार होता है कि वो व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्तियों की जान ले सकता है अपनी जान बचाते हुए। तो चलिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि एक व्यक्ति जो है सामने वाले पर्सन की जान भी ले सकता है और ऐसी सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति को एक भी दिन के लिए जेल नहीं जाना पड़ता। अगर इंडिया के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर सामने वाले पर्सन द्वारा किसी भी तरह का अटैक किया जाता है जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि अगर उस पर्सन के ऊपर वो अटैक हुआ तो उस चीज़ के अंदर उस व्यक्ति की जान जाने का खतरा है, यानि कि दो व्यक्ति हैं, उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने जो है सामने वाले पर्सन के ऊपर बंदूक तान रखी है जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि वो व्यक्ति गोली चलाने वाला है और सामने वाले पर्सन की जान जाने वाली है, तो वैसी सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति अपनी जान बचाते हुए सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किसी भी एक दूसरे पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेवियस हर्ट का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो है सामने वाले पर्सन को एक बहुत ही गहरी चोट पहुँचाने वाला है, तो वैसी सिचुएशंस के अंदर भी वो व्यक्ति जो है अपनी जान बचाते हुए चाहे फिर उस व्यक्ति को गोली ही चलानी क्यों ना पड़े। इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है या फिर रेप करता है तो वैसी कंडीशंस के अंदर एक लड़की के पास ये अधिकार होता है कि वैसी सिचुएशंस के अंदर वो लड़की जो है अपनी जान बचाते हुए उस सामने वाले लड़के की जान ले सकती है। इसमें चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर कुछ व्यक्तियों द्वारा सामने वाले पर्सन को किडनैप किया जाता है, एबडक्शन की जाती है, तो वैसी सिचुएशंस के अंदर जिस भी व्यक्ति को किडनैप किया जाता है उसके पास ये कानूनी अधिकार होता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी जान बचाते हुए उन व्यक्तियों को जान से मार सकता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक लड़की को, किसी भी एक लड़के को बंदी बनाने की कोशिश की जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट टूट जाता है, तो वैसे कंडीशंस के अंदर, वैसे सर्कमस्टांसिस के अंदर भी वो व्यक्ति जो है अपनी जान बचाते हुए उस व्यक्ति की जान ले सकता है, यानि कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है। इसमें सेवेंथ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक लड़की के ऊपर एसिड थ्रो करने की कोशिश करता है तो वैसी कंडीशंस के अंदर भी वो लड़की जो है उस व्यक्ति की जान ले सकती है। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि अब तक जिन भी पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा है अगर वो एक्ट, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके सामने बनते हैं और वैसी कंडीशंस के अंदर कोई भी लड़की अपना बचाव नहीं कर पाती है तो आपके पास भी ये कानूनी अधिकार बन जाता है कि जो भी व्यक्ति उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति की आप भी जान ले सकते हैं। लेकिन 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 अगर एक व्यक्ति को ये प्रूफ करना हो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी एक्ट्स हैं, ये सचमुच मेरे साथ हुए हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर एक व्यक्ति जो है कोर्ट के सामने कैसे प्रूफ कर सकता है। इसके अंदर वो व्यक्ति जो है 100% श्योर होना चाहिए कि वैसे सर्कमस्टांसेस जो हैं असलियत में बने थे तभी उस व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस के अंदर सामने वाले व्यक्ति की जान ली है। और इसमें सेकंड पॉइंट ये भी प्रूफ करना पड़ता है कि वो व्यक्ति जो है अगर सामने वाले पर्सन को नहीं मारता तो उस व्यक्ति द्वारा उस पर्सन को मार दिया जाता। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आज इस वीडियो में आपने ये जाना कि आखिर इंडिया के अंदर कब कैसे एक्ट के अंदर किसी भी एक सामने वाले पर्सन की जान लेना क्राइम नहीं होता। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।